दोस्तों नमस्कार। मैं आज कोवेलको करेंट का कैसे कंप्यूटर इसका सेट किया जाता है सिलाई, इसके बारे में मैं बात करूंगा। ये मेन बूम है, मेन बूम का बारे में बात करूंगा, कैसे सेट करना है और इसका जीबी कैसे सेट करना है। मेन बूम हो गया, इसका जीबी हो गया, एक्स बूम हो गया, कैसे सेट करना है, दोनों बूम का बारे में आज मैं बात करूंगा। ये देखिए जीबी लगा हुआ है, दोनों का बारे में मैं आज बात करूंगा, कैसे सेट करना है इस मामले में मैं आज बात करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ कैसे सेटिंग करना है। बहुत बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे सेट करता हूँ, कौन सा बटन को यूज करता हूँ। ये मेनू है, ये मेनू को हम टच करेंगे, ये मेनू है, इसी में जाना है सेटिंग के लिए। सेट है, ये दोनों एरो ऊपर नीचे का, और ये तीसरा, ये पांच ही का जरूरत है। देखिए पांच का ही, पांचों बटन से होगा, ये दोनों को साइड वाले की जरूरत नहीं है। ये पांच का ही मेनू को मैं टच किया, देखिए ये आ गया हमारा बूम सेटिंग का। ये बूम सेटिंग दिखा रहा है ऊपर में, उसी में जाना है और हमको सेट करना है, ठीक है। और ये दोस्तों नीचे टाइम सेटिंग के लिए दिखा रहा है, ये टाइम सेटिंग का मैं अगला वीडियो में डाला हूँ, वो वीडियो में भी अगर टाइम सेटिंग का आप लोग को समझना है, टाइम और डेट कैसे सेट करना है, तो उसमें जाके टाइम कैसे सेट करना है, डेट कैसे सेट करना है, वो जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये मेन बूम है दोस्तों, मेन बूम जहाँ पे वो एरर दिख रहा है मेरा उंगली के सामने, ये एरर जहाँ पे जाएगा वही सिस्टम मेरा काम करेगा, वही सेट होगा। देखिए फिर मैं सेट बटन को दबा रहा हूँ, सेट को दबाया, पूरा आ गया मेरा बूम का, कितना बूम लगा हुआ है, कितना मीटर है, जितना हम बूम को चेंज किए हैं, जितना मीटर लगाए हैं, वहाँ पे इस एरर को लेके जाना है, उस और जितने मीटर हमारा बूम है उस जगह में एरर को लेके जाएंगे। देखिए ये दोनों ऊपर नीचे का बटन दबाएंगे, नीचे जाएगा, ऊपर का दबाएंगे तो ऊपर जाएगा। ये देखिए नीचे आ रहा है, नीचे का दबा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। फिर 27 मीटर अभी बूम लगा हुआ है, 27 मीटर को मैं सेट किया। अभी ऊपर मेन बूम दिखा रहा है और नीचे दिखा रहा है हमारा ऑक्सिलरी हुक, एक्स बूम। ये देखिए ये हमारा फ्लाई जीप है, 10 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर, ये तीन बूम है। तो अभी हमारे पास फ्लाई जीप नहीं लगा हुआ है, इस वक्त हमारा एक्स बूम लगा हुआ है, ऑक्सिलरी हुक, ये मेन बूम का है ऊपर का, ये लगा हुआ है ऑक्सिलरी हुक, इसको मैं ऑक्सिलरी में ही सेट कर दिया। ये देखिए सेट बटन दबाया, फिर आ रहा है हमारा ये जीबी कितना का डिग्री है। ये ऊपर मेन बूम है, ये देखिए 10 का डिग्री है नीचे जीबी, और ये ऊपर 10 का हो गया, नीचे 30 का डिग्री हो गया। ऊपर जीबी 10 का डिग्री, नीचे 30 का डिग्री, ये सबसे ऊपर मेन बूम है। देखिए मेन बूम में ओके कर दिया, अभी मेरा बिल्कुल आ गया हुक का, ये ऊपर है 80 टन, फिर है 50 टन, फिर है 32 टन, फिर है 19 टन, कौन सा हुक लगा हुआ है। इस वक्त मैं 32 टन का हुक लगाया हूँ दोस्तों, 32 टन का। देखिए सेट, फिर सेट बटन को दबाएंगे, सेट बटन को फिर मैं दबाया, अभी 6 टन का वो हुक लगा हुआ है, फिर 6 टन का दबाया, ओके किया। अभी हमारा आ गया फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट हुक और सेकंड हुक, कितना रिविंग इसमें भरा हुआ है, वो चीज़ कितना अभी भरना है, वो चीज़ देखना है। अभी हमारा ऊपर में है, मैं 4 हाथ भर रहा हूँ मेन हुक में। अभी देखिए इससे मैं बढ़ाऊँगा फॉल्स को, कैसे, एक हो गया, फिर दोबारा टच किए 2 हो गया, 3 हो गया, फिर टच किए 4 हो गया, ये 4 हाथ मेरा फॉल्स हो गया। अब आएंगे नीचे सेकेंड ड्रम में, वो फर्स्ट ड्रम का ऊपर है, नीचे सेकेंड ड्रम का है, इसको मैं दबाएंगे। देखिए नीचे का ये दबा के नीचे वो आएगा ग्रीन, वो हरा जो दिख रहा है, जिसमें जिधर जाएगा उधर ही बढ़ेगा। देखिए हमारा सेकेंड ड्रम में 1 हाथ है, तो 1 फॉल्स है, इसको मैं सेट कर दिया। अभी देखिए दोस्तों ओके बिल्कुल सेट किया। इस तरीके से हमारा कंप्यूटर को सेट किया जाता है कोबेलको का, इस तरीके से आप लोग देखिए। अभी बिल्कुल ओके आ गया, बराबर आ गया।
ये रेड दिखा रहा है, ये रेड क्यों दिखा रहा है, अभी ये 7 का डिग्री दिखा रहा है, अभी हमारा बूम डाउन है, इसके लिए 7 का डिग्री 0.9 दिखा रहा है। देखिए मैं 32 टन का हुक ओके किया तो ये 32 टन यहाँ दिखा रहा है, और 6.5 टन का मैं सेकेंड ड्रम में किया तो 6.5 टन भी दिखा रहा है। अभी ये रेड क्यों दिखा रहा है, अभी मेरा बूम डाउन है इस टेन का ऊपर, इसके लिए ये रेड दिखा रहा है कंप्यूटर में। अभी ये हमारा बूम ऑफ नहीं, अभी देखिए 7.9 डिग्री में है ये, इसके लिए ऐसे दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, और हमारा वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और एक लाइक कीजिए दोस्तों। सभी दोस्तों का नमस्कार।